हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 6 चैप्टर 4 पंचायती राज। एक बार चीकू के पापा उसको विलेज लेकर जाते हैं कि चलो बेटा, तुम्हारे एग्जाम वगैरह तो हो गए हैं, अब मैं तुम्हें गांव दिखाता हूँ कैसा होता है गांव। तो वो बहुत एक्साइटेड होता है विलेज में जाने के लिए कि वहां पे कैसे लोग रहते हैं। तो वो फटाफट से अपना बैग पैक करता है और बोलता है, चलो पापा चलते हैं हम विलेज। चीकू जब गांव में पहुंचता है तो वो देखता है बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो रखे होते हैं। तो वो पूछता है कि पापा ये क्या हो रहा है। तो उसके पापा बताते हैं कि ये सारे लोग गांव के लोग हैं और जो भी इनकी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि सड़क नहीं है सही इनकी या फिर पानी नहीं आ रहा है अच्छे से, तो ये सारी प्रॉब्लम ये यहाँ पे पंच को बताते हैं। पंच इनके हेड होते हैं और पंच का भी हेड एक पर्सन होता है जिसको बोला जाता है सरपंच। ये जो पर्पल कलर का कुर्ता पहने हैं ना, ये अंकल सरपंच हैं और बाकी सारे जो इनके साथ में बैठे हुए हैं ये पंच हैं। और यहाँ पर ये बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी है ना, ये सारे गाँव के लोग हैं और यहाँ पे जो भी भीड़ में लोग हैं वो 18 ईयर से अबव है। तो ये पूरी ग्राम सभा हो रही है। चीकू बेटा, मैं और अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें। देखो, जो पूरा विलेज होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसे बोला जाता है वार्ड, और हर एक वार्ड का जो हेड होता है उसे बोलते हैं हम पंच। ऐसे ही पूरे विलेज में जो छोटे छोटे एरिया होते हैं उन सबके हेड को बोला जाता है पंच। अब इन पंच का भी एक हेड होता है सरपंच, क्योंकि पंच कहते हैं यार हम में से भी कोई एक जो है मेन पर्सन, उसे हम सरपंच बना देते हैं और हम उसकी बात को मानेंगे। तो जो सरपंच होता है वो पंच का हेड होता है। तब चीकू बोलता है कि अच्छा, इसे ग्राम सभा बोलते हैं। इतने में ही चीकू के दादा आ जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे बच्चे तुम आ गए हमारे विलेज में, देखो ये ग्राम सभा हो रही है और एक ग्राम पंचायत भी होती है। ग्राम पंचायत में बस पंच और सरपंच होते हैं, उसमें विलेज के पीपल नहीं होते हैं। विलेज में एक सेक्रेटरी भी होता है जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना, ये देखते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। ग्राम पंचायत के भी एक हेड होते हैं, पंचायत समिति, जिसे हम जनपद पंचायत भी बोलते हैं। चीकू बेटा, इतना ही नहीं, इनके भी एक हेड होते हैं जिसे हम जिला परिषद बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं इन्हें। इनके दो नेम हैं और इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है पंचायती राज। समझ आया चीकू बेटा? एक और बात बेटा, ध्यान से सुनो, ये जो पंच और सरपंच होते हैं ना, ये 5 ईयर के लिए ही होते हैं। हर 5 ईयर में इलेक्शन होता है, वोट दिए जाते हैं, तो विलेज के जो पीपल होते हैं वो वोट देते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन बनना चाहिए पंच। चलो बेटा, अब बहुत हुई स्टोरी पंचायती राज की, अब तुम्हारी दादी तुम्हारा वेट कर रही है घर पे। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you.